हाय फ्रेंड, नीतू क्रिएटिव कॉर्नर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे घर में जो बच्चों की कॉपी होती है उसे यूज करने के बाद हम कहीं रख देते हैं, तो आज हम अपने क्राफ्ट में इसी का यूज करेंगे। इसके लिए हम एक बलून भी लेंगे, बलून को फुला लेंगे और धागे की हेल्प से इसे बांध लेंगे। इसके बाद हम कॉपी के कुछ पन्नों को लेंगे और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। हम एक डब्बे में 8 से 10 चम्मच फेविकॉल लेंगे और उसमें उतनी ही मात्रा में पानी मिक्स करेंगे। घोल तैयार करने के बाद बनाए हुए घोल को बलून पे ब्रश की हेल्प से अप्लाई करेंगे और कागज के टुकड़ों को इस पे चिपकाएंगे। कागज के टुकड़े को चिपकाने के बाद हमने जो फेविकॉल का घोल तैयार किया है उसे ऊपर से अप्लाई करेंगे। इसी तरह से पूरे बलून में घोल अप्लाई करते हुए कागज के टुकड़े को चिपकाएंगे और पूरे बलून को उससे कवर करेंगे। हमने बलून को पूरी तरह से कवर कर दिया है। इस प्रोसेस को हम 4 बार अप्लाई करेंगे और उसके बाद इसे ओवरनाइट सूखने के लिए छोड़ देंगे। ये जब पूरी तरह से सूख जाएगा तो इसके ऊपर एक छोटा सर्कल कट करेंगे। हम एक डब्बे में 10 से 12 चम्मच व्हाइट सीमेंट लेंगे और पानी की हेल्प से गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। हम इसमें किसी भी तरह का ग्लू मिक्स नहीं करेंगे। घोल तैयार करने के बाद हमने जो कागज का मटका तैयार किया है उसमें इस घोल को डालेंगे और चारों तरफ घुमाते हुए पूरे मटके में हम इसे अप्लाई करेंगे। पूरे मटके में अप्लाई करने के बाद इसे हम 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद यही सेम प्रोसेस 2 बार और करेंगे और उसके बाद 6 से 7 घंटे के लिए सूखने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छी तरह से सूख जाएगा तो हम एक टप में पानी लेंगे और उससे इसे गीला करेंगे। गीला होने के बाद ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। कागज निकालने के बाद हम एक सैंड पेपर की हेल्प से इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। फ्रेंड्स, हम इससे पिग्गी बैंक बनाएंगे। पिग्गी बैंक बनाने के लिए हम सबसे पहले इसमें एक होल बनाएंगे। इसके बाद हम एक इस तरह का ढक्कन लेंगे और इसे बॉल पुट्टी के डो से कवर करेंगे। बॉल पुट्टी का परफेक्ट डो कैसे बनाते हैं मैंने इसके लिए पहले वीडियो बनाया है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ढक्कन कवर करने के बाद मटके के आगे वाले सिरे पे थोड़ी सी बॉल पुट्टी लगाएंगे और उसे पानी की हेल्प से स्मूथ करके ढक्कन को इस पे चिपका लेंगे। ढक्कन चिपकाने के बाद हम पानी की हेल्प से इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे सूखने के लिए रख देंगे। जब ये प्रॉपर सूख जाएगा तो हम इस पे आगे की डिटेलिंग करेंगे। ये प्रॉपर सूख गया है तो हम थोड़ी सी बॉल पुट्टी लेंगे और पिग्गी का फेस बना लेंगे। तो हमने बॉल पुट्टी की हेल्प से पिग्गी का फेस बना लिया है। अब टूल्स की हेल्प से इसके आईज को भी बना लेंगे। पुट्टी के हेल्प से हम पिग्गी के पैर भी बना लेंगे।
इसके बाद हम अपना पिग्गी बैंक लेंगे और हमने जो पुट्टी की हेल्प से पैर तैयार किया है उस पे इसे रख के देख लेंगे। रखने के बाद हम इस पे पानी लगाएंगे और पिग्गी बैंक को रख के प्रेस करके उस पे निशान बना लेंगे। उसके बाद हम उसे उसी जगह पे चिपका देंगे। चिपकाने के लिए आप यहाँ पे फेविकॉल का भी यूज कर सकते हैं, या आपके पास थोड़ी सी बॉल पुट्टी बची हुई है तो आप उससे भी इसे बहुत आसानी से चिपका सकते हैं। ये बॉल पुट्टी से बहुत ही आसानी से चिपक जाता है। पैर चिपकाने के बाद हम एक प्लास्टिक सीट लेंगे और उस पे इसे रख देंगे। इसे हम कुछ देर के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे और तब तक इसके कान और पूंछ को बना लेंगे। हमारा पिग्गी बैंक अच्छी तरह से सूख गया है तो अब हम इसे कलर करेंगे। कलर करने के लिए मैंने यहाँ पे बेबी पिंक कलर लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर ले सकते हैं। आपको जो भी कलर पसंद है आप उस कलर से इसे कलर करें। मैंने जो कलर यहाँ पे यूज किया है वो एक्रेलिक कलर है। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। कलर करते समय एक बात का खास ध्यान रखें, जब आपका एक कलर सूख जाए तभी उस पर कोई दूसरा कलर करें। बेबी पिंक कलर से कलर करने के बाद हम एक कटोरी में वाइट कलर लेंगे और एक इस तरह का ढक्कन लेंगे। ढक्कन को इसमें डिप करेंगे और डिप करने के बाद इसे पिग्गी पर रख के निशान बनाएंगे। निशान बनाने के बाद हम उसी कलर से इसे कलर कर देंगे। व्हाइट कलर से कलर करने के बाद उसी कटोरी में हम थोड़ा सा ग्रीन कलर मिक्स करेंगे और उसी ढक्कन से फिर से निशान बनाएंगे। निशान बनाने के बाद उसी कलर से हम उसे कलर कर देंगे। इसके बाद हम इसके आईज को ब्लैक कलर से कलर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा पिग्गी बैंक बनके तैयार हो गया है। आप भी इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करिए और अपने बच्चे को गिफ्ट करिए। आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बचत इसमें आप जमा कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।